जो लोग फेल्यूअर होते हैं वो कभी कभी अपने आप को दोष नहीं देते हैं, वो अपने किस्मत को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को और अपने परिस्थिति को हमेशा कोसते रहते हैं और अपने भाग को सबसे ज़्यादा दोष देते हैं कि ऐसा रहता तो ऐसा हो जाता, ऐसा रहता तो ऐसा हो जाता। और वैसे व्यक्ति अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे बाबा के पास गए और बाबा बोल दिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उस पर आप लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, चार गो अंगूठी लगा लेंगे। देखिए मेरे हाथ में कहीं अंगूठी है ना, अंगूठी ना गला में कुछ नहीं है आपका, ठीक है, तो अंगूठी लगा लेंगे, पूजा पाठ करेंगे और जो कह देंगे कि ऐसे करना है ऐसे करना है तो इसी करते हैं। यानी सिंपल सा आज का जो टॉपिक है, अंधविश्वास को छोड़े और आपका सफल बने। जो अंधविश्वास है, जैसे एक नॉर्मली सोचिए ना जी, नॉर्मली एक आपका समझिए कि भाई एथिक्स है चाहे जो है आपका, कि जैसे हम बाइक चलाते गए चाहे चार चक्का से जा रहे हैं आपका और सामने से बिल्ली गुजर गई तो क्या बोलता है जो पीछे बैठा रहता है, चाहे लोग क्या परिवार वाले क्या बोलते हैं कि बाबू गाड़ी को रोक दो, जब कोई अगला गाड़ी चल जाएगा तब तुम जाना। तो आप ही एक बार सोच के देखिए, हम जाएंगे तो पूछे क्यों, तो भाई आप बोलिएगा कि सर जाने से बुरा हो जाता है, ये हो जाता है, तो क्या अगला जो हम लोग को जो पीछे से जो गाड़ी जाएगा उसका बुरा नहीं होगा, आप एक बार सोच के देखिए। तो आदमी बोलता है कि नहीं वो तो नहीं देखा या नहीं जानता है तो उसका बुरा नहीं होगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो आदमी देख लिया उसका बुरा होगा। ये भी तो हो सकता है कि 5 मिनट पहले आपके बिल्ली गुजरा हो, आप रास्ता से कोई नहीं गुजरा, आप पहला आदमी हो तो उसमें बुरा नहीं होगा। तो ये सब हो आपका अंधविश्वास। यानी अंधविश्वास के कारण आदमी क्या होता है, आपका भ्रमित हो जाता है आपका। जैसे अभी ट्रेन चल रहा है, बाबा के पास जाइएगा बोल रहे, तो बाबा आपको देखते ही बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि तुम कुछ मत बताओ हम सारा चीज बता देंगे। तो बाबा बोलेंगे कि तुम्हारा ये दुख है, तुम्हारा ये दुख है, तुम्हारा ये दुख है। अरे किस आदमी का दुख नहीं है, आप टीचर हैं हम, आप मेरे पास आइएगा पढ़ने के लिए, तो हम नहीं बोलेंगे कि आपको वो नौकरी लेना है, तो बोलेगा हाँ सर आप तो एकदम सही बोले, आपका नौकरी ही लेना है, तब तो आए हैं पढ़ने के लिए आपका। तो इसी अब बाबा के पास जाए तो दुखी है तब ना जा रहे हैं जी, तो वो तो ऑटोमेटिक कोई भी आदमी देख के बोल देगा कि आप दुखी हैं, आपको ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली आदमी का प्रॉब्लम सबका सेम होता है, फैमिली में कलह हो रहा होगा, सफलता नहीं मिल रहा होगा, एज से देख लिया शादी नहीं हो रहा होगा, लड़की है तो भाई प्यार में है, ये है, ये सब नॉर्मली बाबा लोग देख के झांसा तो समझ जाते, अरे बाबा तो बहुत जानकार है, ये है, पूरा गए पैसा झूल दिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप आस्था रखिए, आस्था रखिए परमात्मा में, आस्था रखिए किसी बाबा, चाहे आपका जो आपका आजकल चल रहा है आपका कि नंबर लगाइए तो नंबर लगेगा तो किस्मत बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चक्कर में नहीं रहना है और सीधे क्या करना है आपका, पढ़ाई करना है आपका। अगर ऐसा आपका रहता तो मान लीजिए कि इतना ही लोग ज्ञानी है तो जाके आपका जो युद्ध हो रहा था आपका रसिया में और उसके साथ, तो उसको रोक देता नहीं, चाहे इतना भूखमरी है उसको खत्म कर देता। इतना ही लोग अगर ज्ञानी है, अगर भगवान से लोग बात करता है तो ऐसा कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास आप लोग के मन में है, अंधविश्वास को छोड़िए और सफल बनिए। और ये व्यक्ति ज़्यादातर जो फेल्यूअर होते हैं वही आपका बाबा के शरण में जाते हैं आपका, समझ गया ना। देखिए ये नहीं कह रहे कि बाबा गलत है, बाबा अपने जगह पे सही हैं, लेकिन आप देखिए कि किस पैटर्न पे आप वहाँ पे आप जा रहे हैं, है कि नहीं आपका। तो यानी सिंपल सा क्या बोलना है, आपको सफल बनना है तो सफल बनने के लिए आपका अंधविश्वास को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। यार एग्जाम देने जा रहे हैं, अब दही खा लेंगे तो बढ़िया एग्जाम जाएगा, अरे बेटा पढ़ेगा, पढ़ा रहेगा तब ना बढ़िया जाएगा, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो कहाँ से एग्जाम सही से जाएगा। चाहे दही खाओ, चाहे चिवड़ा खाओ, और चाहे आपका दही में मीठा मिला के पी लो, कभी जाएगा अच्छा एग्जाम, आप ही एक बार सोच के देखिए ना जी, नहीं जाएगा आपका। यानी मेरा कहना है कि आपको क्या करना है, कर्म करना है, ये सब अंधविश्वास में आपको भरोसा नहीं करना है आपका, है कि नहीं आपका। अब देखिए आपका नॉर्मली ही देखिए आपका पीके मूवी में बताएंगे आपका क्या करता है कि वो ऐसे आपका
जो पत्थर रहता है उसको रख देता है, एग्ज़ाम होने वाला है सेंटर, मान लीजिए बैंक का किसी का एग्ज़ाम होने वाला है, और वहाँ क्या करता है खुदरा पैसा आपका रख दिया कुछ। अब जो आदमी आ रहा है जो ज़्यादा डरा हुआ है वो पूरा लेट के प्रणाम करता है, ये हकीकत दिखाया है आपका। जो जितना ही ज़्यादा डरा रहेगा वो बाबा के जाकर सीधे पैरें छान लेगा आपका, एकदम कहेगा बाबा जो है सो आफी है आपका। आ इसमें ना बाबा लोग का ही हाथ नहीं है, ये जो मीडिया जो है ना ये सबसे बड़ा इन लोग का हाथ है आदमी को भ्रमित करने वाला पे। सुबह 7 बजे उठे टीवी ऑन किए तो कुंभ राशि, तो हई राशि, तो मीन राशि, तो हई राशि हौ राशि, कुंभ राशि वाले के लिए ये खाए, ये कपड़ा पहने, पीला पहने तो ई पहने, और लड़की लोग का तो और नौटंकी, मंडे हो गया तो ई कलर का, सैटरडे हो गया तो ई कलर का, और मंगल हो गया तो ई कलर का कपड़ा पहनेगा। अरे कपड़ा पहनने से ही आदमी सुखी रहता, तो कपड़े नहीं कलर कलर के पहनता, काम उम नहीं करता कि आज पीला पहन लिया आराम से सो जाते हैं जो है सब सही हो जाएगा। ये सब सबसे बड़का नौटंकी तो आपका टीवी वाला कर रहा है सब आपका। और आपको बताता ई राशि फल, ई राशि फल नंबर से जुड़ने के लिए 2400 रुपया डिस्काउंट, 50 रुपया। अरे जब भागे बता रहा है तो तुम पैसा ले रहा है उसमें भी डिस्काउंट दे रहा है, तो सबसे पहले तो धंधा बना लिया है सब आपका, समझ गए। यानी आदमी आपका क्या कर रहा है कि आपको भ्रमित कर रहा है। मीडिया वाला भी, न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में भी आता है राशिफल, राशिफल जो आता है आपका क्या ये सही है आदमी। अरे हम लोग खुद जब पढ़ते थे ना 9th-10th में तो देख के जाते थे पेपर में, देख लेते हैं कि मेरा राशि है संजय कुमार, मेरा नाम हुआ, मेरा राशि हो गया कुंभ, कुंभ में देखते थे तो लिखा रहता था कि आपका 6 महीना के अंदर शादी हो जाएगा। अरे तो हम सोचते थे कि अभी तो 12th है, मैं कैसे शादी हो जाएगा, 1 महीना बाद आप करोड़पति बनने वाले हैं। अरे 1 महीना बाद तो 1 रुपया नहीं आएगा, हम तो स्टूडेंट हैं अभी, तो आप एक बार सोच के देखिए। तो ये सब क्या है आपका, फालतू है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है आपका, समझे। तो अंधविश्वास नहीं रखना है आपका। अब मान लीजिए किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, तो नौकरी नहीं लग रहा है तो गए को बाबा के पास, बाबा बोल दिए कि बाबू तुम्हारा तो नौकरी लगेगा। अरे तैयारी कर रहा है तो आज न कल तो लगवे करेगा, सही से तैयारी कर रहा है तो आपका कि नौकरी लगेगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा, बस इतना ही बोल के चुप गया, डेट नहीं बताएगा आपको। नहीं तो कोई बोले आपका अगर डेट बता दे रहा है तो आप जाके उससे मिलिए और हमको बताइए, हम उसको पैसा देंगे आपका। डेट नहीं बताएगा होगा, अरे कब होगा ये तो सब जान रहा है, जो पढ़ता है आज न कल उसका हो ही जाता है। यानी मेरा कहना है कि आजकल के अंधविश्वास में बहुत ज्यादा आपका आदमी लोग का क्या है रुझान होते जा रहा है आपका। इसका कारण क्या है, दुख, आदमी के पास दुख आ रहा है, संकट आ रहा है। तो एक एक है भाई आश्रम, आश्रम का धंधा जान ही रहे हैं आपका, उस सब के होना चाहिए जेल में, तो आप लोग जाके उसका पैर पड़ रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, और उसको भगवान बना दिए। अरे खुद नहीं पता उन लोगों को सही से, और उसको भगवान बना दिए हैं। यानी सिंपल सा अंधविश्वास को छोड़े और मेहनत करे और क्या बने आपका, सफल बने। 5 अंगूठी पहनने से अगर कोई सफल हो जाता ना तो समझ जाइए अब अंगूठी पहन लेते हम भी, और यहाँ पे अभी जाके सूझ जाते आराम से आपका, सफल बन जाते। ये सब नहीं है आपका, यही मेरा कहना है कि मेहनत कीजिए। और इसी तरह से वीडियो आपका हम डालते रहेंगे, एपिसोड 1 एपिसोड 2। और था आपका अंधविश्वास को छोड़े और क्या बने आपका, सफल बने। इसी तरह से डेली आपका अलग अलग टॉपिक पे आपका आएगा वीडियो आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका।